देखो, कवच के लिए जितने भी फंड्स की जरूरत पड़ेगी उतने मिलेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं. पॉइंट इज मेकिंग श्योर दैट द डिजाइन वर्क. सी आई एम डॉक्टर ई श्रीधर इन इज वन ऑफ दोज पर्सन्स हुम आई रियली रिगार्ड वेरी हाईली. मेट्रो मैन जिनको सारा देश जानता है, उनका हमेशा बहुत फोकस रहता था कि पुट ह्यूज एम्फेसिस ऑन प्लानिंग द थिंग्स इन अ प्रॉपर वे. वो हमेशा ये कहते थे कि प्लानिंग में, सिस्टम के डिजाइन में, कंप्लीट उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, उन सब पे मैक्सिमम फोकस ध्यान देने का उनकी ट्रेनिंग इस तरह से रहती थी. तो बहुत इम्पोर्टेंट था कि देश की सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन फाइनलाइज हो. दैट हैज बीन अचीव्ड नाउ. दैट वाज अ वेरी मेजर माइलस्टोन व्हिच वाज रिक्वायर्ड टू बी अचीव्ड. And then only we can do a large scale rollout. So that has happened now. So we are today in a position where we can start the rapid rollout over next, in the near future. Already there are three manufacturers, and I think two more manufacturers are in very advanced stage of approvals. One of them should be approved in coming couple of months or 3 months max, and the other one is also very, and then many other companies are also working on it too. They are also working on it to develop the Kavach, because Kavach is in a sense better than ETCS L2. The Europe mein sab jagah laga hua ETCS level 2, usse kai features aise hain isme Kavach mein jo ki usse better hai, kyunki ETCS L2 आज से 30-35 साल पहले का डेवलपमेंट है. सारी दुनिया में जब 30-35 साल पहले कवच जैसा सिस्टम लगा था, 1980s में बिगिन हुआ था, करीब करीब स्टार्ट हुआ था, पहले कहीं पे इसका नाम LZB होता था, कहीं पे कुछ और नाम होता था, अलग अलग कंट्रीज में उनकी भाषाओं में इसके नाम होते थे, कहीं पे ZUB नाम होता था, अपनी अपनी भाषा में सबके नाम होते थे. तो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन इज द जेनेरिक वर्ड ATP. इसको ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन इज द क्लास ऑफ इक्विपमेंट in which Kavach is part of it, right? So ATP systems aaj se 30-40 saal pehle duniya ke sabhi railway systems mein lage. Unfortunately tatkalin sarkaron ne itna dhyan nahi diya, lekin Modi ji ki sarkar ne aate hi sabse pehle is pe focus kiya.